गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सौर मंडल के पिंड। तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नई सोच के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो सोच वो इस प्रकार है कि जिस दिन खत्म होगा सफर संघर्ष का, अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाएंगे, होगा मेरी जिंदगी का ऐसा रसूख कि सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है सौर मंडल के पिंड। ठीक है, तो सौरमंडल के पिंडों के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो तीन भागों में बांटा गया है, परंपरागत ग्रह, कोने ग्रह और लघु सौरमंडलीय ग्रह। तो ये किसने बांटा है? ये बांटा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, या आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय है खगोल शास्त्र संघ, खगोल शास्त्रीय संघ। और ये 2006 में इसको बांटा गया था, 2006 में इनको तीन पार्टों में बांट दिया गया था। तो सबसे पहले पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले पार्ट है परंपरागत ग्रह। जो हमारे परंपरागत ग्रह होते हैं, ये 2006 से पहले ये इनकी संख्या 9 थी। इसमें से एक ग्रह को निकाल के वो बोने ग्रह में रख दिया गया है जिसका नाम है प्लेटो या यम। ठीक है, पहले 9 होते थे, अब हमारे जो ग्रह हैं वो अब हमारे ग्रह 8 हैं। तो ठीक है, वो ग्रह किस तरह से हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इस तरह से हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, इनके इनकी डाया के बारे में या इनके सूर्य की परिक्रमा करने के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परंतु अभी आप ये समझ लें कि परंपरागत ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका बोने ग्रह। बोने ग्रह में आपका क्या है, प्लेटो जो 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल के बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। दूसरा चेरोन, सेरस और 2003 यूबी 313, ये आपका बोने ग्रह हो गया। तीसरी जो श्रेणी रखी गई थी वो लघु सौरमंडलीय ग्रह रखी गई थी, वो छोटे। ठीक है, तो इनमें क्या आ जाता है, धूमकेतु या पिछल तारे वगैरह। ठीक है, ये आपका उपग्रह हो गया। उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वो इसमें है, या अन्य छोटे खगोलीय पिंड जो है वो आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह की बात करते हैं कि ग्रह किस चीज को ग्रह कहा गया है, कि ग्रह की लिमिट क्या है, कितने डाया तक के या कितने जो उनके लिमिटेशन है, किसको हम ग्रह मान सकते हैं। तो ग्रह मानने के लिए मैं आपको लिमिटेशन बता देता हूँ। ये जो ग्रह है, सबसे पहली बात थी ग्रह मानने के लिए कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, पहली कंडीशन, जो पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसको ग्रह माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी के ऊपर कर रहा है या किसी अन्य पिंड की परिक्रमा कर रहा है उसको ग्रह मान लेगा, नहीं, केवल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड ही ग्रह माना जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिनमें मैक्सिमम गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिसके लिए जिसके कारण वह गोल स्वरूप ले सके घूमने में। ठीक है, उसका नेक्स्ट आ जाता है कि आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ हो, मतलब उसके आसपास में कोई अन्य पिंड नहीं चल रहा हो। तो ये आपका ग्रह का इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपके यहाँ पे है ग्रह। ठीक है, तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं आपके, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। ठीक है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह को आप कह सकते हो टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट, और बाह्य या बृहस्पति या बाह्य ग्रह को आप जीवन और आउटर प्लैनेट कहते हो। तो देखो कौन से पार्थिव होते हैं, कौन से आंतरिक होते हैं। तो आंतरिक जो होते हैं वो हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो हमारे आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। और ये चार ग्रह आपके ऐसे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, क्योंकि ये बृहस्पति से स्टार्ट होता है इनको, इसलिए बृहस्पति नाम दिया गया है। और ये पृथ्वी के समीप है, इनको पार्थिव पृथ्वी से नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए चार इसमें है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आप आसानी से याद रख सकते हो। अगर ये इस तरह से याद ना हो तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका याद करने का अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनको हम अपनी, तो ये सभी ग्रह अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं, केवल इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों ग्रह को छोड़ के सभी ग्रह जो है अपनी आंखों से देखे जा, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने की, तो बुध देखा जा सकता है, शुक्र और पृथ्वी को तो हम देखते हैं, पृथ्वी रहते हैं, मंगल भी देखा जा सकता है और बृहस्पति और शनि, पृथ्वी को हटा के टोटल 5 ग्रह हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अरुण और वरुण को हम अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, नंगी आंखों से। ठीक है, अगर मैं आकार के बढ़ते क्रम की बात करूं तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ठीक है, बुध के बाद फिर मंगल आता है, मंगल के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी का और शुक्र का बहुत ही बड़ा संबंध है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और
ये बिल्कुल इसके आकार में लगभग इसी के सेम है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब आगे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वरुण आते हैं, वरुण के बाद अरुण आते हैं, फिर शनि और बृहस्पति। ये आपके छोटे से बड़े की तरफ बढ़ने का है, और अगर आप बड़े से छोटे की तरफ बढ़ोगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, अगर आप आरोही क्रम में चल रहे हैं तो आपको आरोही क्रम में पृथ्वी फोर्थ नंबर पे आएगी, अगर अवरोही क्रम में चल रहे हैं तो पृथ्वी फाइव नंबर पे आएगी। बात करते हैं परिक्रमण का बढ़ता क्रम, कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य के चक्कर लगाता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर में लगाते हैं, क्योंकि ये बात उनको पहले बता दी गई थी कि 2006 में आज 2006 में IAU द्वारा ये पहले घोषित कर दिया गया था कि जो पेड़ सूर्य के चक्कर लगाएंगे वही ग्रह माने जाएंगे, तो इसलिए सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो बुध सबसे पहले 88 दिन में लगाता है, फिर शुक्र लगाता है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, सबसे बाद में वरुण चक्र लगाता है। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि इनर ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट याद करने का क्या तरीका है, तो आप परिक्रमण का बढ़ता क्रम याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पहले चार ग्रह जो है आपके वो आपके क्या है, इनर है, और बाद के चार ग्रह जो है वो आपके क्या है, आउटर है। तो आपको ये लड़ने की जरूरत नहीं पड़ने की कौन से है, परिक्रमण का बढ़ता क्रम आपको याद होना चाहिए, ये आपके याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर मैं इनके बात बताऊं कि कौन सा ग्रह किस दिशा में परिक्रमा करता है, कौन सा ग्रह किस दिशा में चलता है, तो केवल दो ग्रह को छोड़कर, किस किस को, एक तो अरुण को छोड़कर और दूसरा एक अरुण को और एक शुक्र को छोड़कर, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करते हैं, और इन दो ग्रह को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर ये पूर्व से पश्चिम करते हैं सूर्य की परिक्रमा, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह से पृथ्वी करती है, बाकी सब कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इसी वीडियो में केवल इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा, फिर बोने पिंड और छोटे पिंड। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।